भारत की राजनीति इतनी महंगी है, पैसा आता कहां से है? मैं तो चंदा देता नहीं, और मुझसे जो नीचे के लोग हैं ए के मिश्रा जी वो भी चंदा नहीं देते। खरी बात तो ये है, वो रोटी खाएं कि चंदा दें। ठीक, सत्यनारायण की कथा में भी बड़ा नेता जाता है, किसी के यहां शोक व्यक्त करने जाता है तो भी प्राइवेट विमान से जाता है, चार्टर्ड से। ये पैसा कहां से आता है मिश्रा जी? ये ननकू और रज्जाक की हैसियत है कि दे दें? एके मिश्रा यही सवाल है जो मैंने पूछा है, सुन लिया कि नहीं जी? अमिताभ जी आपने बात सही बोली है जी। देखिए, ननकू और रज्जाक आपके दो बड़े प्रिय चरित्र रहे हैं। मैं पहली बार डिबेट में आपसे थोड़ा सा मतलब सहयोग या आपके थोड़ा सा मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। ननकू और रज्जाक की भी बड़ी ताकत रही है, एक एक रुपया दे के इन्होंने बीएसपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको याद होगा, ठीक है, छोटे छोटे लोगों से एक एक रुपए चंदा ये लोग लेते थे। खैर वो ताकत बनने के बाद बीएसपी कहां है भैया? मिश्रा जी एक मिनट हम बता दें, ताकत बनने के बाद बीएसपी कहां है? अभी जब टीवी बंद हो जाए तो हमको फोन करिएगा, हम बता देंगे। नहीं आपकी बात सही है, मैं बात लेता हूं आम आदमी पार्टी की। जो मुद्दा राजनीति का है ही नहीं, अडानी के घोटाले का, ये लोग जबरदस्ती उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, आर्थिक मुद्दे को राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब संघर्ष कर रहे थे तो रोज पर्ची निकालते थे, शीला दीक्षित ने इतने का घोटाला किया ये प्रूफ है, अडानी ने इतने का किया, अंबानी ने इतने का किया, सारे लोगों का। आज तक इन्होंने जांच नहीं कराई, जब ये आ गए, जब ये पावर में आ गए तो क्यों नहीं जांच करवाई? क्योंकि वहां पे भी वो आर्थिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना के फायदा लेना चाहते थे। राहुल गांधी तपस्या करके आए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मुद्दे को कैसे भटकाया जाए? अरे सर, अगर अडानी ने कोई घोटाला किया, कोई ना एलआईसी बंद हुई, ना आरबीआई बंद हुई, ना एसबीआई बंद हुआ, ना अडानी की कोई कंपनी बंद हुई, ना ताला लगा, ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी रुकी, ना किसी एम्प्लॉय को हटाया गया, और इतना बड़ा घोटाला हो गया कि कंपनी अडानी डूब गई और सारे काम चल रहे हैं। अरे साहब, सेबी है, आरबीआई है, कितने गाइडलाइन है, क्या पार्लियामेंट या भारत सरकार जब उसको बोलेगा तभी आप उसको वो मुद्दा बनेगा। ये इनका ट्रैप ये है कि कैसे भी भारत सरकार या बीजेपी या मोदी जी एक बार कुछ ना कुछ बोल दे ताकि ये घोषित हो जाए कि हाँ भाई देखो ये सरकार ने मान लिया, ये गेंद उनके पाले में फेंकना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया, उस गेंद को अपने पाले में आने ही नहीं दिया और बहुत होशियारी से मुद्दे को निपटाते हुए मैनेज करते हुए निकल गए जी। एक बार एके मिश्रा एक संक्षिप्त सी बात बताइए, सब दल ये कहते हैं कि जनता के मुद्दे हम उठा रहे, ठीक सब कहते हो, कहना भी चाहिए, इसका फैसला कैसे होगा कि किसने जनता के मुद्दे उठाए? इसका फैसला तो जनादेश से ही पता लगेगा। आप एकदम सही बात बोल रहे हो, और कैसे पता लगेगा जनता को कौन से मुद्दे पसंद आए? ये चुनाव से पता लगेगा ना कि इसका कोई और बैरोमीटर है लोकतंत्र में। नहीं नहीं अमिताभ जी, आपने अपने डिबेट में ही कई बार बोला है अगर ये जनता का मुद्दा होगा तो जैसे जयप्रकाश जी के टाइम पे जनता सड़कों पे आ गई, ऐसे बहुत सारे जो जनता के मुद्दे हैं जनता सड़कों पे आ जाती है। अगर अडानी के मुद्दे पे सारे इन्वेस्टर सारी जनता हम आप सड़कों पे आ गए तो जनता का मुद्दा है, नहीं तो करते रहिए बहस अपने ऑफिस में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके, वो राजनीति का मुद्दा है केवल, वो जनता का मुद्दा नहीं है। जिस दिन जनता को लगेगा कि ये मेरा मुद्दा है, जनता उसके लिए सड़कों पे आती है चाहे किसी की भी सरकार हो जी। एके मिश्रा जी, जो बात पांडे जी कह रहे हैं कि भाई और जो बात शालिनी कह रही है उनमें द्वंद केवल इतना है, शालिनी कह रही है यानी सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वो जांच कर रही हैं एक अपनी प्रक्रिया में, उनके जांच का सम्मान होना चाहिए। एक विपक्ष कह रहा है कि जो सबसे बड़ी अदालत है जिसमें भारत चुनके हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, उसी से एक जांच हो जाए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तो कौन सा नुकसान है? देखिए अमिताभ जी, एक मुद्दा, एक सवाल बड़ा जीनियस आपने किया था कि भाई अडानी जी दो दिन में रिकवर कैसे कर गए, ये प्योर फाइनेंस का मुद्दा है। अडानी जी इसलिए रिकवर नहीं किए कि राहुल गांधी या मोदी जी उनके ऊपर खिलाफ या उनके फेवर में बोल रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा है। अडानी जी इसलिए दो दिन के बाद रिकवर हुए कि 100 बिलियन का जब लोन उन्होंने इमीडिएटली डिक्लेयर किया कि मैं पे कर रहा हूं, उन्होंने पे किया तो
तो लोगों का विश्वास फिर से जागृत हो गया कि भाई इसके पास पैसे हैं, तो वो तो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। वो क्यों सेंसेक्स में गए? अदरवाइज सेंसेक्स में गोता लगाने के बाद कोई जल्दी उभरता नहीं है अगर वो कंपनी मजबूत ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बोल रहे हैं कि भाई इससे कर ले, मैं बोलता हूं कि संसद से क्यों कर ले? जो दुनिया का जो सबसे बड़ा आप इंस्टीट्यूशन बोले, ह्यूमन राइट कमीशन बोले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोले, ये तो ये भी बोल देंगे कि भाई हमारे लिए तो सबसे बड़ी कोर्ट हिंडनबर्ग की है जिसमें केवल 2 इंप्लॉई है। अमिताभ जी देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं स्टूडियो आता जाता रहता हूँ, यहाँ 5 लोग पर्दे पे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है 100 लोगों की टीम आपके पीछे काम कर रही है। ये हिंडनबर्ग का यही हाल है। एक ऑडिट करने में, अडानी की एक कंपनी को ऑडिट करने में अगर दे दिया जाए तो 100 लोगों की टीम साल भर में ऑडिट नहीं कर पाएगी। 10-10 रुपए चाय के बिल होते हैं साहब वहां पे, इतने बिल्स होते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी तक ये चिल्ला रहे थे कि हिंडनबर्ग का मुद्दा, जी हिंडनबर्ग ने जो बोला वो परम सत्य है, अंतिम सत्य है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी बातों का कहां विश्वास करें? ये हिंडनबर्ग को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, सेबी को मानेंगे, आरबीआई को मानेंगे, संसद को मानेंगे? ये सबसे बढ़िया, छोड़िए संसद वाला। रत्नाकर जी ठीक है, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट रुके, रत्नाकर जी ठीक है, शांति भी रुके भाई, मिश्रा जी रुके, कांग्रेस से सवाल करेंगे। रत्नाकर सिंह जी, तो कोयले खदान का कॉन्ट्रैक्ट सब अडानी को दे दिया जाता है, श्रीलंका जाते हैं तो जो पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी की कंपनी को दे दिया जाता है। और नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुंबई एयरपोर्ट, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, आपको जवाब नहीं है कुछ, आप सुन लीजिए पहले।